बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जी मैं जा रही हूँ मार्केट। आज 29वां रोज़ा है, आई थिंक सो 30 रोज़े होंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आज इस दफ़ा 30 होंगे। पिछली दफ़ा भी 30 ही थे, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह 30 ही होंगे। तो मुझे यही लग रहा है कि 30 होंगे। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि 30 होंगे या 29 होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं एक दिन पहले जाके अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लूँ। कुछ चीज़ें रहती थी मार्केट से, तो मैं पहले अपनी खाला के घर गई, वहाँ से खाला और अपनी कज़न के साथ मैं मार्केट गई। यहाँ से जी पहले उनके घर गई, फिर वहाँ से हमने रिक्शा करवाया, देन हम उनकी मार्केट गए। उनकी मार्केट में ये था कि उनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और एक सिस्टर का दुपट्टा लेना था, वो कहीं से नहीं मिल रहा था, तो वो गुम हो गया था। मतलब हमने न्यू दुपट्टा लेना था, तो वो कलर मैच नहीं हो रहा था कहीं पे भी, तो बस वो चीज़ें वगैरह लेनी थी। आप लोग बताएं, आप लोग की ईद की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? आप लोगों ने अपनी सारी ईद की तैयारियाँ कर ली? और रमज़ान इतनी स्पीड से गुजर गया कि हमें अंदाज़ा भी नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी कल शुरू हुआ था और आज ख़त्म भी हो गया। अल्लाह ताला सबके गुनाहों को माफ़ करे। आखिरी रोज़े चल रहे हैं, या कह लें आखिरी लम्हात चल रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल करे, और अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे, सबके रिस्क में इजाफ़ा दे। आमीन सुम्मा आमीन। सबके लिए दुआ किया करें, अपने लिए भी कर रहे हैं तो साथ लगते दूसरे की भी दुआ किया करें। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है जो शख्स दूसरों के लिए दुआ करता है ना, अल्लाह ताला सबसे पहले उसके लिए आसानियाँ करता है, फिर दूसरे के लिए आसानी करता है। तो दुआ मांगते हुए हमेशा दूसरों के लिए दुआ मांगा करें, अपने लिए दुआ ना मांगा करें। अल्लाह ताला उनके वसीले से जो उनके लिए आप मांग रहे हैं, इंशाल्लाह आपको भी मिलेगा। आमीन। अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे कर ले, और सबके रिस्क में इजाफ़ा करे, और इस पाकिस्तान की हिफाजत करे जिसका बेरा गर्क हो चुका है, और गरीब आवाम बहुत ज़्यादा मजबूर होती जा रही है। तो अल्लाह ताला सब पे रहम करे। आमीन। बस यही हमारी हम लोग यही बातें कर रहे थे अभी रिक्शे में भी अपनी खाला वगैरह के साथ, कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और इस तरह से मतलब यही गॉसिप चल रही थी। और आजकल हर मतलब औरत हर मर्द के दिमाग में यही ज़बान पर एक ही बात है कि महंगाई बहुत हो गई है, घर का बजट आउट हो रहा है। मतलब जब महंगाई ज़्यादा होगी, घर का बजट भी आउट होगा। तो बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें जी। यहाँ पर जी तकरीबन हम पहुँचने वाले ही थे रिक्शे पर। 29 रोज़े की जो चांद रात होती है उसके एक अलग मज़ा होता है, बट जो 30 रोज़ों के बाद एक फीलिंग होती है उसका अलग मज़ा होता है। मतलब आसानी से इंसान अपनी सारी प्रेपरेशन कर लेता है। फिर 29वें रोज़े में मतलब डाउट होता है कि होगी या नहीं, तो काफ़ी सारे काम जो होते हैं वो पेंडिंग के लिए छोड़ देता है। और अगर 30 रोज़े हों तो फिर इंसान अपने सारे काम मतलब अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है कि मैंने इस टाइम पर ये करना है, मैंने इस टाइम पर ये करना है। तो इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है। आई होप आप लोग मेरी गॉसिप से बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे होंगे। अगर बोर हो रहे हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोग को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। बट इंसान आपस में बात करता रहे तो अच्छा लगता है। मुझे आप लोग के कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, जो लोग मुझे करते हैं कि आप ऐसे किया करें, आप ऐसे किया करें, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी स्टार्ट किया है, आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ इम्प्रूवमेंट होगी इंशाल्लाह। मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करूँगी आप लोग को मेरी वीडियोज़ पसंद। ऊपर देखो आ ले लेने है ना, हां ये अच्छी लग रही है। मैं भी अपने कलर में ये भी कलर अच्छा लग रहा है, ये वाला ये मरा मरा कलर भी लग रहा है। मरा मरा ये नहीं यार, ये वाइट पे जा रहा है, ये ऑफ वाइट वाला देख। हाँ ये यार लगाने ना, ये भी कलर अच्छा लग रहा है। बस ये ले, हाँ अच्छा लग रहा है। तो इस तरह का कपड़ा है मेरा, ये वाला कपड़ा है। लेने नहीं जी, वॉचेस हैं, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ग्लासेस जो हमने परचेज कर लिए। और ये लड़की, इसकी ग्लासेस चेक करो, बारी लग रही है, नखरे चेक करो इसके। बड़े भैया अभी भर ही रहे हैं बस। ना 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 ना। क्या ना ना ना, ना।
क्या नाना कहाँ से आगे हमारे हम लेने के लिए आए हैं वहाँ पर आ गए हैं उस सेक्शन में, बट मुझे ऐसा लगता है गुस्सा ना बनाने वाला भूल गया गुस्सा बनाने कैसे, जरा नहीं अच्छे गुस्से यहाँ पे। कैसा कलर बताओ उनको, पीच कलर दिखाइएगा कोई। और मोती दिखा दिया उसने, भैया पहन कर देखो तो अच्छा लग रहा है, हमारे ड्रेस को अच्छा रहना पड़ेगा। लॉगिंग ही नहीं हो सकता। ओए मैं तो बताया नहीं तुमने वो क्लिप नहीं बनाया। ये जहां तक मुझे याद है और बेडशीट्स ना खरीदें ऐसा हो नहीं सकता। ये देखो बिया ने पिक्चर क्लिक की है एजल की। ये लेकिन ब्लर नहीं होगा, ब्लर नहीं होगा। कौन सी सोनी लग रही है आप? नहीं हाँ नहीं लाइट कलर देख लें, ये भूले मिले से कलर से अच्छा। मैंने सोचा था पूरी ब्लैक प्लेन ब्लैक होगी। प्लेन कपड़ा ले लो व्हाइट भी ब्लैक। हाँ तो ब्लैक हमारी नहीं प्लेन ब्लैक ही। ग्रे भी नहीं है, ग्रे अच्छी भी नहीं लग रहा, ब्लैक अच्छा लग रहा। यस पर आ गया मच बेटर, मच बेटर मतलब उनकी निस्बत सही है। नहीं इतने नहीं खा, इतने घुले मिले से फूल पता नहीं कहाँ सा। हमारे पर्दे ब्लू कर दो फिर हम बेडशीट ब्लू ले लेते हैं। दोपहरा लग रहा है मैं बेटे के। टकी का व्लॉग देखा जा रहा है। हम लोग घर आ गए थे फिर आकर जी आंटी ने रोल की फिलिंग्स बनाई हुई थी तो आंटी कहती है फिल कर दो, तो मैंने कहा मैं फिल कर देती हूँ। ये दिन उन्होंने ला के रखी है कट करके, भी अलहदा अलहदा कर रही है, और ये मैदे की वो बना कर रखी हुई है जिससे इसको जोड़ना अच्छी है ना। हाँ खा लो भैया क्रीमी सी, मैंने बनाई है ना इसीलिए कह रही है अच्छी बनी है ना आपकी, क्रीमी बनी है सच में यार। भैया चेक करो फिर रोजा है लड़की दिखाए ये कलर अच्छा आ गया बस खूबसूरत रोजा है वरना मैं खा लेती। जी भी घर आ गई थी अफ्तारी की प्रेपरेशन की। अफ्तारी में मैंने आज बनाए थे सैंडविचेस, बहुत मज़े के बनते हैं। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जी। उसके बाद जी मुझे पता चला 8-9 बजे तकरीबन मुझे पता चला जी आज चांद रात है और हमारा कल जी ईद है, रोज़े हमारे ख़त्म हो चुके हैं। तो बस जी मम्मा के साथ दोबारा मुझे मार्केट जाना पड़ा क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो मम्मा ने मुझे बताई थी लेकर आनी है मैं भूल गई, और आंटी की मार्केट से दुपट्टा भी नहीं मिला था, मैंने दुपट्टा फिर इधर रंग ना देना था और मतलब बहुत ज़्यादा टफ काम था ये वाला, बट जाते हैं देखते हैं। और एक खुसा भी कज़न ने कहा था वो भी लेकर आना है, तो बस इसी तरह से
मैं चांद रात वाले दिन बिल्कुल भी मतलब घर से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि मार्केट्स में इतना रश होता है कि जिसकी कोई हद नहीं। और मतलब मेरा ना दम घुटना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो फाइनली मुझे दुपट्टा मिल गया था, और मैंने दुपट्टा परचेज़ किया और उसको फिर रंग ना दिया, फिर खैर उसने भी, वो भला आदमी था, उसने मुझे फ़ौरन ही रंग कर कर दे दिया। तो इस तरह के काम आप लोग कभी भी पेंडिंग्स पे मत रखना। मैंने बस बाय मिस्टेक मुझसे पेंडिंग में रखा गया, वरना नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह मैं अपने काम पहले ही कर लूँगी। मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं कितना शदीद रश है मार्केट्स में। तो बस इस तरह से रश वगैरह मार्केट्स में होता है। मुझे नहीं समझ आती कि चांद रात में ज़्यादा शॉपिंग होती है, तो मतलब लोग चांद रात पर, लोग या मेरी तरह वो भी भूल जाते होंगे कि ये चीज़ रहती थी, तो वो भी ऐसे निकल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं इन्जॉय करने के लिए भी निकलते हैं, और वैसे मेरा ख्याल है निकलना भी चाहिए, एक इन्जॉयमेंट हो जाती है इंसान का, थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा दूँ कि मैं आंटी की मार्केट से क्या लेकर आई थी, और मैंने इधर से जो लिया था वो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। कि यहाँ पर थोड़ी सी छोटी मोटी मैंने यहाँ पर चीज़ ली थी बस, और बच्चों के लिए, और फिर उसके बाद ही मैंने खाना खाया बैठ कर। खाना खाने के बाद अब मैं मतलब एनर्जी इकट्ठी कर रही हूँ, भाई कल ईद है और मैंने मीठा बनाना है, और ये ईद हमारी मीठे के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं गुजर सकती। तो बस इस चीज़ का ही मैं सोच रही थी, मीठे में क्या बनाऊँ, मम्मा से डिस्कस कर रही थी। ऑलमोस्ट मेरे माइंड में पहले था कि मैंने बनाना है ये वाला, मैंने मीठा बनाना है। पहले मेरे माइंड में था मैं ना ड्रीम केक बनाऊँगी, आजकल बहुत वायरल हुआ हुआ है वो वाला केक बनाऊँगी, बट इंशाल्लाह वो भी जल्दी बनाऊँगी, बट नहीं बना सकी थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। और फिर हम पाकिस्तान है जी, हमारा गैस भी चली गई, पता भी चल गया भाई कल ईद है, लोगों ने अपने लिए मीठा बनाना है, चलो हम गैस छोड़ दें, बट नहीं। बट फिर भी मैंने यहाँ पे सिलेंडर पर बनाया जी कस्टर्ड बनाया। इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी जल्दी ही मैं अपलोड कर दूँगी। उसके बाद जी आ जाती है स्किन केयर, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो इंसान नामुकम्मल है। यहाँ पर जी मैं मैनीक्योर पेडिक्योर मैं और भाभी मिलकर कर रहे थे, तरह गॉसिप भी हो जब बच्चों को सुला दिया था, तो बस साथ हम लोग ये काम कर रहे थे, और साथ ही हम लोग बातें भी कर रहे थे, साथ लोगों के व्लॉग्स भी देख रहे थे, इसी तरह से चलता रहता है। तो बस यही करते करते जी हमें 12:01 बज गए। उसके बाद यहाँ पर अब ऑयलिंग की बारी है, ऑयलिंग करनी है। उसके बाद अभी मैंने फेस से अपने बाल नहीं रिमूव किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि मेरे फेस पे बाल आ जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होते, कम होते हैं, बट मैं रिमूव कर लेती हूँ। और मेहंदी, लड़की मेहंदी ना लगाए ईद पर तो ईद ही कैसी, बट मुझे मेहंदी नहीं लगानी आती, अचानक से चांद रात होगी तो बस। पहले मैंने अपनी फ्रेंड के पास जाना था, बट अब अचानक से हो गई तो मैं घर पर ही लगाने की कोशिश करूँगी। मैंने कवर रख लिया बॉटल का, इसको प्रेस करके जो भी लगाऊंगी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। तो बहुत लंबी वीडियो हो गई, तो अपनी अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।